आदाबर से। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोविड टास्क फोर्स की हफ्तावारी मीटिंग में अवामी नुमाइंदों ने दूसरे अजला को वेंटिलेटर देने की मुखालिफत। मेल्ट्रॉन इंजेक्शन चोरी मामले में कारपोरेशन के फार्मासिस्ट समेत 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। ताक रातों में एतकाफ और इबादत का करें एहतमाम, मुफ्ती नासिर खासमी ने की अहले ईमान से अपील। और घाटी अस्पताल से फरार हुआ खतरनाक कैदी। नाजरीन, आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं एक तसल्ली बख्श खबर के साथ। शहर में कोरोना वबा की चैन अब टूटती नजर आ रही है। कारपोरेशन से जारी इतला के मुताबिक आज शहर में सिर्फ 320 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए, जबकि आज इस तादाद से दुगनी से भी ज़्यादा यानी 696 मरीज वबा के असरात से महफूज हुए, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब रुख करते हैं दूसरी खबरों की ओर। कोविड टास्क फोर्स की हफ्तावारी मीटिंग में अवामी नुमाइंदों ने दूसरे अजला को वेंटिलेटर देने की मुखालफत की और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने का मुतालबा किया। साथ ही राशन दुकानदार महासंघ के अहदेदारों से मीटिंग के बाद अवामी नुमाइंदों ने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही राशन दुकानदारों का आंदोलन भी खत्म होगा। या शहरा मध्ये पेशंटला वेंटिलेटर नाही असे सर्वस्वी बोम होते, वेंटिलेटर मिळत नाही, परंतु आमच्याकडे वेंटिलेटर हे जास्त आहेत आज असं कलेक्टरनी आमच्या या मीटिंग मध्ये सांगितलं। आणि जे जास्त होते आणखीन जे आहेत ते आम्ही इतर जिल्ह्याला सुद्धा पुरवलेत डिविजनल कमिशनरच्या सांगण्यावरून। मी त्या मीटिंगमध्ये त्यांना सांगितलं की आपल्या या शहरामध्ये मराठवाड्यातले सर्व पेशंट येतात। काल नगरचे 25 पेशंट आपल्या शहरामध्ये आज दाखल केले घाटी हॉस्पिटलमध्ये। जर आपल्याला व्हेंटिलेटरची गरज आहे तर तुम्ही तुमचं प्रसिद्धी देण्यासाठी किंवा तुम्ही काहीतरी उपकार करतात म्हणून इतर ठिकाणी पाठवू नका। आपली गरज जर नसेल तर इतर जिल्ह्याला सुद्धा तुम्ही मदत करा असं आम्ही त्याला बैठकीमध्ये सुचवले। तो हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी ये सारे वेंटिलेटर चालू होना चाहिए और आज वेंटिलेटर बेड का जो शॉर्टेज इस संभाजीनगर शहर में आ रहा है उसके वजह से हमने प्रशासन को बुलाया है कि सभी के सभी वेंटिलेटर चालू होना चाहिए। जो केंद्र शासन ने या राज्य शासन ने दिए उसकी ताबड़तोक अमल मजावनी होनी चाहिए। और दूसरा विषय है रेमडेसिविर। आज रेमडेसिविर का शॉर्टेज बताया जा रहा है, बट रेमडेसिविर की पिछले एक हफ्ते में 2 जगह चोरी हुई है और प्रशासन उसमें गाफिल है। हमारी ये मांग है कि जिन्होंने ये चोरी की है उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ के वेंटिलेटर्स ना बीड़ जाना चाहिए ना उस्मानाबाद जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के अपने नेता है, वहाँ के अपने मंत्री है, वो अपना ख्याल करें। लेकिन हमारी प्रायोरिटी हमारे लोगों को, औरंगाबाद ज़िले के लोगों को है तो मिलनी चाहिए। यहाँ के वेंटिलेटर्स बाहर नहीं देना चाहिए। संभाजीनगर शहरात 411 वेंटिलेटर्स आहेत, ज्याची संख्या मागच्या वर्षी 211 होती, 228 होती, आणि आता 411 झालेली आहे। एकट्या घाटीमध्ये 130 वेंटिलेटर टॉप पोझिशनचे आहेत। आणि मग काही हॉस्पिटलला जर वेंटिलेटर रिकामे असेल तर काही प्रायव्हेट हॉस्पिटलला ते द्यावेत अशा प्रकारच्या सूचना झालेल्या आहेत। काही हॉस्पिटलला तशा पद्धतीनं वेंटिलेटर्स दिलेले आहेत जेणेकरून कुठलेही पेशंट आले तरी त्यांना ट्रीटमेंट मिळाली पाहिजे। आणि आप जे राशन दुकानदारांची संघटना आहे राज्याची, त्याचे प्रमुख वगैरे आत्ता माझ्यासोबत होते, त्यांचे काही इश्यूज होते त्याच्यावर मी चर्चा केली। मी छगन भुजबळ साहेबांशी पण बोललो, आत्ता त्यांचं बोलणं करून देतोय मी आणि निश्चित ते मला वाटतं उद्यापर्यंत संप आजच मागे घेतील अशा प्रकारचं स्थिती आहे। रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी के मामले में म्युनिसिपल इंतजामियाने मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल के इंचार्ज फार्मासिस्ट समेत 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कराया। इससे पहले म्युनिसिपल इंतजामिया ने इंचार्ज फार्मासिस्ट को मुलाजमत से मुअत्तल किया और उसके असिस्टेंट को बरतरफ कर दिया। कारपोरेशन के मिल्ट्रन कोविड हॉस्पिटल से 48 रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी का सनसनीखेज मामला 27 अप्रैल को सामने आया था। कोरोना के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद बताए जा रहे इस इंजेक्शन की मांग काफी बढ़ चुकी है। इससे पहले ही औरंगाबाद में इस इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 गिरोह बेनकाब हो चुके थे कि मिल्ट्रॉन हॉस्पिटल में इस इंजेक्शन की चोरी का मामला सामने आया। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने इस वाकये की महकुमा जाती तहकीकात शुरू कर दी। ड्रग स्टोर के इंचार्ज फार्मासिस्ट रगड़े समेत 5 मुलाजमीन को वजह बताओ नोटिस जारी की गई।
लेकिन इनके जवाब तसल्ली बख्श न मिलने पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने फौरी तौर पर इंचार्ज फार्मासिस्ट रगड़े को मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया और उसके असिस्टेंट फार्मासिस्ट को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया। इसके साथ ही म्यूनसिपल इंतजामिया ने 6 अफराद के खिलाफ जिनसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस तहकीकात कर रही है। मुकद्दस माह रमजान मुबारक के आखिरी अशरे का आज से आगाज हुआ। इस अशरे में ताक रातों की इबादत को काफ़ी अहमियत हासिल है। मुफ्ती नासिर कासमी ने एडीएन से बात करते हुए ताक रातों में इबादत और एतिकाफ की फजीलत व अहमियत बयान की है। इस आखिरी अशरे के अंदर जो सबसे कीमती इबादत है और सबसे अजीम इबादत है, वो है शब कदर की तलाश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे का जो एतिकाफ फरमाया, आखिरी अशरे के एतिकाफ का मकसद भी शब कदर ही की तलाश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि अगर तुमको शब कदर को तलाश करना है, ढूँढना है, अगर तुमको शब कदर चाहिए तो आखिर अशरे की ताक रातों में शब कदर को तलाश किया करो। जैसे कि आज की रात जो होगी 21 रमज़ान मुबारक की ताक रात है, 23 रमज़ान मुबारक की ताक रात होती है, इसी तरीके से 25 ये रमज़ान मुबारक की ये ताक रात होती है, यानी इसी 5 रात ये ताक रात है। इन ताक रातों में अल्लाह के सामने हमको इबादत करना है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है एतिकाफ़ है। एतिकाफ़ के ताल्लुक से जो है कुछ चीज़ें जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। एतिकाफ़ सुन्नत अलल किफ़ाया है, मतलब ये है कि महल्ले की मस्जिद के अंदर एक शख्स का एतिकाफ में बैठना सबके तरफ से गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया होगा। वरना अगर कोई भी शख्स महल्ले की मस्जिद में, बस्ती की मस्जिद में एतिकाफ़ में नहीं बैठेगा तो सब के सब लोग गुनहगार होंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से एतिकाफ़ मर्दों के लिए है, इसी तरीके से औरतों के लिए भी एतिकाफ़ का हुक्म दिया गया। लेकिन औरतों के लिए एतिकाफ़ की जगह उनका अपना घर है, जहाँ पर वो एक जगह को मखसूस तौर पर रखे, जहाँ वो इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, उसी दायरे के अंदर रहकर जो एतिकाफ़ करना है। और एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक एतिकाफ़ वो होता है जो नफिल होता है। नफिल एतिकाफ़ के लिए कोई कैद नहीं है, जब भी आदमी मस्जिद में चला जाए एतिकाफ़ की नियत कर ले, ये नफिल होगा। लेकिन सुन्नत एतिकाफ़ जो होता है रमज़ान के आखिरी अशरे के, यानी रमज़ान के आखिरी 10 दिन का होगा। अगर कोई शख्स 10 दिन से कम एतिकाफ़ करता है तो वो एतिकाफ़ सुन्नत नहीं होगा, वो नफिल होगा। और इसी तरीके से इस आखिरी अशरे के एतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना भी ज़रूरी है। और एक होता है वाजिब एतिकाफ़। वाजिब एतिकाफ़ का मतलब ये होता है कि कोई शख्स ये मन्नत मांगे कि अल्लाह ताला अगर मेरा फला काम कर दे, मैं कामयाब हो जाऊं, तो मैं एक दिन का एतिकाफ़ कर लूँगा। अब उसके लिए 2 चीज़ें हैं, या तो बग़ैर रोज़े की मन्नत मांगता है या रोज़े के साथ एतिकाफ़ करने की मन्नत मांगता है। तो अगर उसने रोज़े के साथ जो है एतिकाफ़ करने की मन्नत मांगी अल्लाह से, तो उसको रोज़े के साथ एतिकाफ़ करना पड़ेगा। और अगर उसने रोज़ा रखने की एतिकाफ़ के साथ मन्नत नहीं मानी है, सिर्फ एतिकाफ़ की मन्नत मांगी है, तो सिर्फ उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं, एतिकाफ़ कर लेगा तो काफ़ी हो जाएगा। तो ये जो आखिरी अशरा है, इसमें मैं ख़ास तौर से हमारे नौजवानों से गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि अपनी जवानी को बर्बाद करने के बजाय, तबाह और ज़ाय करने के बजाय, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ये अल्लाह ने हमको मौका दिया है, एक बार यहाँ से चला जाएगा, पता नहीं आइंदा रमज़ान हम सबको मिले या न मिले। तो नौजवानों से गुजारिश है कि रातों को चौराहों के ऊपर, नुक्कड़ों के ऊपर, गली कूचों के अंदर, मोबाइलों के अंदर लगने के बजाय थोड़ा सा वक्त जो है रात के वक्त जाकर मस्जिदों में बैठकर या अपने घरों में बैठकर अल्लाह की इबादत करके, इस्तग़फार करके, गुनाहों से माफ़ी मांगकर, अल्लाह के सामने तौबा करके, ख़ास तौर से आज का जो माहौल चल रहा है और जो वबा की शक्ल आ चुकी है, इस मौके पर तो हमको ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा को जो है अल्लाह की तरफ रुजू होने की ज़रूरत है। लेकिन इतने हालात के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों को, नौजवान को ज़रा भी एहसास नहीं है। ये जिस एक बात जहन में रखे कि जिस कौम का नौजवान उठ खड़ा होता है वो कौम तरक्की करती है, और जिस कौम का नौजवान बुजदिली की तरफ जाता है या तबाही की तरफ जाता है, गुनाहों की तरफ जाता है, वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है। कोरोना वबा के सबब मुलतवी किए गए ग्रेजुएशन के ऑनलाइन इम्तिहान आज से शुरू हुए। ऑनलाइन इम्तिहान में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इजाफी IT कोऑर्डिनेटर का तकर्रुर किया ताकि दौरान इम्तिहान तलबा को कोई तकनीकी दुश्वारी पेश न आए।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत 16 मार्च से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के इम्तहान मुनाकिद किए गए थे, जिसमें पहली बार तलबा के लिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन इम्तहान की सहूलत रखी गई, लेकिन कोरोना वबा की वजह से इम्तहान को दरमियान में ही रोकना पड़ा। इस दौरान रियासती वजीर बराए आला तालीम उदय सावंत से मीटिंग के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ग्रेजुएशन के ऑनलाइन इम्तहान 3 मई से और पोस्ट ग्रेजुएशन के इम्तहान 5 मई से मुनाकिद करने का ऐलान किया। ऑनलाइन इम्तहान में तलबा को इंटरनेट और तकनीकी दुश्वारियों से बचाने के लिए यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जानिब से 28 अप्रैल तक 2 मई के दरमियान मॉक टेस्ट लिया गया, जिसमें तलबा को कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। एग्जाम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर योगेश पाटिल ने तलबा से कहा कि अगर उन्हें इम्तिहान में कोई तकनीकी दुश्वारी पेश आए तो वो मुतालिका कॉलेज के IT कोऑर्डिनेटर से रब्त कायम करें। आज ग्रेजुएशन के तलबा ने अपने घरों में रहकर ऑनलाइन इम्तिहान में अपना पर्चा हल किया। गाड़ेगांव तालुका पटन के साबिक नायब सरपंच को बेरहमी से तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में खलबली मची हुई है। गाड़ेगांव के साकिन साबिक सरपंच कांता श्रीपति शिंदे गुज़श्ता रोज अपने एक दोस्त के खेत में पानी की पाइपलाइन का काम देखने के लिए गए थे, लेकिन रात देर गए तक वो घर वापस नहीं लौटे। घर वालों ने इंतजार के बाद ये समझा कि वो रात में घर लौट आएंगे, लेकिन सुबह इनके ही खेत से करीब रास्ते के किनारे कांता की खून में लथपथ लाश पड़ी पाई गई। इत्तला मिलते ही पैठन के DSP गोरख भामरे, भिड़किन पुलिस थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर संतोष माने, सब इंस्पेक्टर मुंडे वगैरह जाए वखुआ पहुंचे। पंचनामे के बाद कांता की लाश देही अस्पताल पहुंचाई गई। इधर कांता के कत्ल की खबर आसपास के देहातों में तेजी से फैल गई। सैकड़ों अफराद देही अस्पताल में जमा हो गए। मकतूल कांता के जिस्म पर गहरे जख्मों के निशान थे, जिससे पता चलता है कि उसे बेरहमी से तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। इस मामले में भिड़किन पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। तूफानी बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा शेंद्रा से करीब नागपुर मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर पेश आया। गुज़िश्ता शाम औरंगाबाद शहर व मज़ाफ़ात समेत मराठवाड़ा के मुतअद्दिद अज़ला में बिजली की कड़क के साथ तूफानी बारिश हुई। कई मकामात पर बिजली गिरने की इत्तलात मिली है। करमाड़ की हदूद में शेंद्रा MIDC से करीब मुंबई नागपुर एक्सप्रेस हाईवे से अंबेडकर नगर के साकिन प्रकाश शिंदे और इसका साथी सुनील तिरगोटे मोटरसाइकिल पर औरंगाबाद आ रहे थे। अचानक शुरू हुई बारिश से बचने के लिए इन दोनों ने सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे पनाह ली, जहां वो दोनों मोबाइल पर किसी से बात करने लगे। इसी अपना एक जोरदार धमाके के साथ बिजली दरख्त पर गिरी, जिसकी जद में आकर ये दोनों बुरी तरह झुलस गए। प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुनील तिरगोटे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मराठवाड़ा के मुख्तलिफ अजला में बेमौसमी बारिश से मौसम में तब्दीली आई है। गुज़िश्ता शाम की तूफानी बारिश से मराठवाड़ा में 7 अफराद की मौत की इत्तला भी मिली है। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज। अब मस्नूई तरीके से कारपेट के जरिए पकाए गए आम खाने की जरूरत नहीं।
कुदरती तरीके से तैयार। शीरी और जायकेदार आमों का मजा लीजिए। आइए हिमायत बाग, कुदरती सफेद मालूदा, शीरी, लंगड़ा, केसरी, हापूस, राजापुरन और तमाम अकसाम के आम दस्तियाब हैं। रब्त कायम कीजिए मोबाइल नंबर 9923323460। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी, इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक दी चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद ज़रूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 02402323447। रोज़ेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खसूसी पेशकश, रमज़ान स्पेशल फालूदा। इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। होम डिलीवरी की सहूलत। सिर्फ एक फ़ोन कीजिए मोबाइल नंबर 9960770246। नाज़रीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। ब्रेक द चैन में हुकूमत ने रिक्शा ड्राइवर व मालकान के लिए माली मदद का ऐलान किया था, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से मदद की आस लगाए बैठे रिक्शा ड्राइवर व मालकान में मायूसी और नाराज़गी बढ़ती जा रही है।
कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने इंतहाई कदम उठाते हुए ब्रेक दी चेन नाफिज कर दिया। इन पाबंदियों में हुकूमत ने दिलासा देने के लिए शहरियान को फीकस 5 किलो अनाज और रिक्शा ड्राइवर व मालिकान घरेलू खादिम और ठेला फरोशों को फीकस 1500 रुपये मदद देने का ऐलान किया। लेकिन ब्रेक दी चेन का दूसरा मरहला शुरू होने के बावजूद ये मुस्तक तबके अभी तक इमदाद से महरूम है। एडीएन से बात करते हुए रिक्शा ड्राइवर्स ने कहा कि उन्हें यह लगता है कि मोदी हुकूमत के 15 लाख की तरह इस हुकूमत का 1500 रुपये मदद का वादा भी सिर्फ जुमला है। पाबंदियों से रिक्शा कारोबार ठप हो चुके हैं, इन पर फाकाकशी की नौबत है। माली मदद की इन्हें आस थी, लेकिन अब ये आस मायूसी और नाराजगी में बदलती जा रही है। गेल्या आठवड्यामध्ये 15 दिवस पहले सरकार ने जो निर्णय घेतला होता कि प्रत्येक रिक्षावाला 1500 रुपये मंथली जे परमट है त्यांच्याकडे देणार होते, अजून काही कोणाला काही आले नाही। आणि सरकार सगळं बंद करते, पोलीसवाल्यांची चेकिंग करते, पोलीसवाल्यांची चौका चौका थांबून रिक्षावाला आरडत आहे आणि प्रत्येकाने फाईन वसूल करून त्यांचा गाडीचा नंबर पाठी मागून काढून त्यांच्यावर फाईन लावत आहेत। आता पाठी मागे 2 दिवस पहिले एक रिक्षा ड्रायव्हरला मारहाण केली पोलिसांनी सिडकोमध्ये, कारण की तो रिक्षा चालवत होता, त्याच्याकडे पॅसेंजर एकच होतं आणि तरी पण त्याला मारहाण केली, त्याच्याकडून पैसे घेतले, 500 रुपयाच्याकडून दंड घेतला आणि ऑनलाईन पावती पण त्याला दिली। असं सरकार करत आहे आणि गरीब लोकांना काय करावं हे सरकारनं सांगावं। मायबाप सरकार इतकं परेशान करून सोडलं रिक्षावाल्यांना। अब योजना के लिए तो खुशी जागरण तो कर दी सरकार ने, लेकिन अब वो जागरण का फायदा कब मिलेगा हमको ये तो जैसे ऊपर वाला ही जानता। जैसे बदली आती है लेकिन बरसात नहीं होती, लोग छतरी लेके निकलते, रेनकोट पहन के निकलते, बस वही हाल होगा सर हमारा। हम भी खुशी की लहर में शरीक हो जाते, लेकिन सिर्फ एक आश्वासन की तरह। सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमारे तरफ जिस तरीके से आपने बोला है उस पर ध्यान दो, तवज्जो दो, हमारे अकाउंट में पैसे डालो सर, क्योंकि हम लोग की कंडीशन इस तरीके की नहीं रही है कि आप बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि 60 दिन हम लोग इसी दौर से गुजर रहे थे। कितनी खुशी आ रही चले जा रही, लेकिन हम लोगों की हालात में वही गम है जो निकलने का नाम ही ले रहे। सर मैं आपसे बहुत बहुत विनंती करता हूँ सर, हमारे राज्य सरकार ने उदय ठाकरे सर ने बोले थे कामगार को 2000 रुपये मिलेंगे और रिक्शे वाले को 1500 रुपये मिलेंगे, तो ये कहाँ है ये पैसे? कि खाली इन्होंने जो है तो मोदी सरकार ने जो कहा था कि हाँ पिछले लॉकडाउन में जो है तो 15 लाख रुपए जो है तो नोटबंदी में हम देंगे, तो ये तो जुमला बोले थे उन्होंने, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने भी ये जुमला ही कही है। घाटी अस्पताल के ओपीडी से आज सुबह एक खतरनाक कैदी मौका पाकर फरार हो गया। कत्ल के एक मुकदमे में यह कैदी हरसूल जेल में कैद था, उसे पकड़ने के लिए पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। शौनी पुलिस थाने की हदूद में पेश आई कत्ल की एक वारदात में पड़े गांव दरगाह कासिम बर्री का साकिन शेख शकील शेख आरिफ को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उसे हरसूल जेल में रखने का हुक्म दिया। शेख शकील को आज सुबह इलाज के लिए हरसूल जेल से घाटी अस्पताल के ओपीडी लाया गया था, जहां मौका पाकर शेख शकील फरार हो गया। वाकये की इत्तला मिलते ही असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर विवेक सराफ और बेगमपुरा पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सचिन सानप पुलिस नफरी के हमरा घाटी अस्पताल पहुंचे। शकील के फरार की खबर तमाम पुलिस थानों को भेज दी गई है। इस मामले में बेगमपुरा पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस की जीप में सवार एक पुलिस एहलकार को एक नौजवान से शराब की बोतल लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ताहम इस बारे में अभी कोई वजाहत नहीं हुई कि यह वीडियो किस पुलिस थाने की हदूद का है। ब्रेक दी चेन की पाबंदियों में शराब की दुकानें बंद हैं। हुकूमत की इजाजत से शराब का ऑनलाइन कारोबार जारी है, लेकिन शहर में बड़े पैमाने पर चोरी छुपे शराब का गैरकानूनी कारोबार चलाया जा रहा है। पाबंदी होने की वजह से दुगने दामों में शराब फरोख्त की जा रही है। ऐसे हालात में जहां शराब मिलना काफी मुश्किल है, आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक गश्ती जीप में पुलिस का एहलकार सड़क के किनारे खड़े एक शख्स से शराब की बोतल लेते हुए साफ नजर आ रहा है। गुज़श्ता रोज तलवार से केक काटकर शादी की सालगिरह मनाने वाले नौजवान के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। इस नौजवान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस तेजी से हरकत में आई। इंतहाई कम वक्त में इस नौजवान का पता लगाने में भी कामयाब रही। अब देखना यह है कि क्या महकमा पुलिस शराब की बोतल लेने वाले इस पुलिस एहलकार को पकड़ने के लिए इतनी ही तेजी से काम करेगी जितनी तेजी से काम करते हुए तलवार से केक काटने वाले नौजवान को पकड़ गया था। कोरोना की रोकथाम के लिए रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की जांच में 17 मुसाफिर वबा से मुतासिर पाए गए। आज यहां 91 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट किया गया। ब्रेक दी चैन के तहत हुकूमत ने अजला की सरहदें सील कर दी, लेकिन ट्रेन के जरिए सफर की सहूलत जारी है। जबकि फिजाई सर्विस बंद होने से चिकलताना हवाई अड्डे पर हलचल रुकी हुई है।
ट्रेन के जरिए दूसरे शहरों से मुसाफिरों की आमद का सिलसिला जारी है। इन मुसाफिरों की जांच के लिए कॉरपोरेशन ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर तिब्बी अमला मुकर्रर किया है। यकूम मई को RT-PCR जांच के दौरान 9 मुसाफिरों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जबकि 2 मई को 8 मुसाफिर कोरोना से मुतासिर पाए गए। आज भी यहां 91 मुसाफिरों की जांच की गई। गुज़श्ता 2 दिनों में 17 मुसाफिर कोरोना से मुतासिर पाए गए। इंतजामिया के मुताबिक फिजाई सर्विस बंद होने से एयरपोर्ट पर फिलहाल कोरोना जांच का काम बंद किया गया है। कोरोना वबा का खात्मा जल्द ही होगा, ये तसल्ली देते हुए साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने अपील की कि अवाम वबा से हिफाजत के लिए अपनी फिक्र खुद करें और एहतियाती तदबीरों पर सख्ती से अमल करें। शिवसेना लीडर साबिक MP चंद्रकांत खैरे ने आज वैजापुर के मुख्तलिफ कोविड केयर सेंटर में मरीजों से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी। मेंबर असेंबली रमेश बोरनारे की काविशों से गायकवाड़वाड़ी के कोविड सेंटर और सरकारी अस्पताल के कोविड सेंटर्स में खैरे ने इलाज की सहूलतों और टीका अंदाजी के काम का जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा मेंबर असेंबली रमेश बोरनारे, नायब सदर वल्दिया शेख साबिर, बाबा साहेब जगताप, मन्ना जी मिसाल, प्रकाश चौहान, सचिन वानी, राजेंद्र साड़ुंगे और राम हरिबाबू जाधव वगैरह मौजूद थे। मामूली बात को लेकर सरेआम एक नौजवान पर तलवार से हमला करने के वाक़े से खुलदाबाद के राजा राय टाकली देहात में कशीदगी फैल गई। इस मामले में पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। इत्तला के मुताबिक राजा राय टाकड़े के साकिन आरिफ खान के मकान के सामने एक नौजवान रात देर गए तक बैठा रहता था। आरिफ खान ने इससे वजह पूछी, इस पर दोनों में झगड़ा हो गया। मुश्तल नौजवान, जिसका नाम अमूल व्यास बताया जाता है, ने तलवार से आरिफ खान पर हमला कर दिया। इसने तलवार से आरिफ खान पर कई वार किए, जिसमें वो शदीद जख्मी हुआ। इस दरमियान लोगों ने किसी तरह आरिफ खान को इससे बचा लिया। इत्तला मिलने पर खुलदाबाद पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सीताराम मैत्रे की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर जाधव, RB भोसले, हेड कांस्टेबल जाधव वगैरह यहां पहुंचे। इस मामले में एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जख्मी आरिफ खान को सरकारी अस्पताल में शरीक किया गया। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोविड टास्क फोर्स की हफ्तावारी मीटिंग में अवामी नुमाइंदों ने दूसरे अजला को वेंटिलेटर देने की मुखालिफत। मेल्ट्रॉन इंजेक्शन चोरी मामले में कारपोरेशन के फार्मासिस्ट समेत 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। ताक रातों में एतकाफ और इबादत का करें एहतमाम, मुफ्ती नासिर कासमी ने की अहले ईमान से अपील। और घाटी अस्पताल से फरार हुआ खतरनाक कैदी। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।